स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून. नाउ टुडे वी हैव टू डू द एक्स्ट्रा सम्स फ्रॉम सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम. आई एम गोइंग टू डिक्टेट द सम एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आई विल राइट आल्सो. टुडे यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ. राइट. लिखो. The surface area of sphere. Question likho. The surface area of sphere. ये question ना एक अलग से rough copy में करना, ठीक है? और जब paper की तैयारी करोगे तो जो जो question आपको करवाए जा रहे हैं ना वो सारे करके आना, ठीक है? Because you know the exam is not going to come from the board. Teachers are only internal. Teachers are only going to set the paper. तो यही डिस्कशन होती है दैट वी हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड देन एट एनसीईआरटी एग्जांपलर एंड देन लेटर ऑन द अदर बुक. तो एनसीईआरटी एग्जांपलर अब कर रहे हैं तो इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. रफ पे करना, क्वेश्चन दिख रहे हैं सॉल्व भी करेंगे ताकि, क्योंकि आपके पास जो बुक्स है ना उनमें सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व है, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं है. तो जो जो क्वेश्चन करवाएंगे ये सब इंपॉर्टेंट है, लिखना इसको क्वेश्चन भी और सॉल्व भी, इग्नोर नहीं करना, ठीक है? The surface area of the sphere of radius 5 centimeter is 5 times the area. और शोर नहीं मचाना, मैम साहिल आराम से करना है. Area of the curved surface or area of cone of radius 4 सेंटीमीटर. ज्यादा होशियारी नहीं मारनी है, ठीक है? आपने किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो करो और जिन्होंने किए हैं वो दोबारा प्रैक्टिस करो. फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ कोन. चलिए टेक 2 मिनट्स, सॉल्व द क्वेश्चन. Surface area of sphere of radius 5 is 5 times the area of the curved surface area of cone of radius 4 centimeter. So surface area of sphere का formula होता है 4 pi r square. Let capital R be the radius of sphere and small r be the radius of cone. ठीक है? अलग अलग radius है ना, तो radius sphere का कितना है 5 सेंटीमीटर, कोन का कितना है 4 सेंटीमीटर. नाउ सॉल्यूशन 4 पाई आर स्क्वायर, शॉर्ट में करेंगे, ठीक है ना? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, आर कौन सा लेना है कैपिटल, क्योंकि हमने रेडियस स्फीयर का क्या लिया है कैपिटल आर, इज 5 टाइम्स. ऐसे लिख लो चाहे आप, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to 5 times the curved surface area of cone means 5 times pi r l. 4 pi into 5 square is equal to 5 into pi into 4 into l. Pi get cancelled with pi, 4 get cancelled with 4. 2 5 hai. 1 5 will get cancelled with 5. So L कितना आ गया यहाँ पर 5. You have to find H. So that we can easily find by using that formula. L square is equal to R square plus H square. L is 5, 25. अब ये किसकी हाइट निकाल रहे हैं हम? कोन की. तो रेडियस कौन सा लेना है? कोन वाला. 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर. हाइट कितनी आ गई बेटा? 3. रेडियस कोन का कितना है? 4. फिर वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. राइट, कोई चक्कर नहीं, ठीक है? क्योंकि फ्रैक्शन में छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चंस करो, नहीं काटेंगे नंबर, ठीक है? नहीं काटेंगे, कोई बात नहीं.
आगे लिखिए। मेटल स्फीयर्स, लिखो क्वेश्चन, मेटल स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर पैक्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर। व्हेन 16 स्फीयर्स आर पैक्ड When 16 spheres are packed, the box is filled with preservative liquid. Find volume of, मैं बाद में समझाऊंगी, पहले खुद आपने क्वेश्चन रीड करके खुद समझना है कि व्हाट इज टू बी डन। करो क्वेश्चन को दोबारा, दो बार रीड करो अगर नहीं समझ आता, स्लोली स्लोली फिर समझो क्या करना है। कोई बात नहीं बेटे, कैलकुलेशन में यू कैन डू लेटर ऑन आल्सो। साहिल, सबसे पहले यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, यू कैन राइट इन शॉर्ट, ठीक है, मतलब अभी हम जैसे रिवाइज कर रहे हैं तो आप अभी लिख सकते हो, कैलकुलेशन तो बात का काम है ना। वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज 16 × 8 × 8 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आएगा क्या आएगा, या किसी ने 10 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, मेटल स्फेयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, रेडियस गिवन है पाई आर क्यूब, ये 1 का 16 का इनटू 16। जब एक बॉक्स में हमने 16 मेटल स्फीयर्स डाल दिए उसके बाद प्रिजर्वेटिव लिक्विड डाला, हमने बताना है वो लिक्विड का वॉल्यूम क्या है। इसको ये सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके कुछ आएगा बोर्ड पे, लिख लो ये सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ, फिर माइनस करोगे एंड यू विल गेट दी आंसर। बता देती हूँ, 488 अप्रोक्सी इन्होंने क्या बोला है, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो ठीक है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एंड इट वॉज रिटन इन द क्वेश्चन, यूज पाई 3.14, आपने 22/7 किया है ना, तो बस वेरी किया है, कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं ना बोला आपको पाई क्या करना है, अगर पाई की वैल्यू नहीं लिखी तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। धीरेन कुछ क्या आ रहा है, हाँ जी धीरेन, कोई आंसर देना था, आंसर हम क्या कर रहे हैं, चलो एनीवेज नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ स्टोरेज, लिखो, अ स्टोरेज टैंक is in the form of a cube, बेटा कुछ कुछ नहीं लिखूंगी, dictate करवाऊंगी, लिखो।
I hope it is clear. It is okay with the online students also if I am dictating. A storage tank is in the form of a cube. A storage tank is in the form of a cube, full stop. When it is full of water, when it is writing ke sath adjust kar lena, full of water, the volume of water is 15.625 meter cube. If the present depth of water is 1.3 meter, find volume of water, find volume of water already used from the tank. Chalo karo question. अब हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ, हमने निकालना क्या है? टाइम मत दे, दो पीरियड आज. अच्छा, हमने निकालना क्या है? एक मिनट को. वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलरेडी यूज्ड है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट, ये मतलब ये निकालेंगे ना. ये क्या है? 2.5, 1.3 means ये क्या है? Cuboid. L into V into H. 2.5 into 1.3. लो जी 1.2, sorry. ठीक है, ये कितना आया है? 7. लेकिन हमने क्या निकालना है? हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, दो तरीके हैं. या तो आप लिखो, मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट. अगर प्रेजेंट लेती तो मैं लेती 1.3, फिर टोटल में से माइनस करते. तो समझो बेटा ध्यान से, हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड. तो हाइट कितनी ले लो आप, ये वाली यहाँ लिखो यूज्ड, तो सीधा लेंथ ब्रेथ हाइट 1.2 लेके आ गया 7.5 मीटर क्यूब. अगर हम यहाँ लेते वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट, तो पूरे का वॉल्यूम हमें पता है, जितना पानी है उसका वॉल्यूम अगर हमने लिया होता 1.3 लेकर, फिर माइनस करते, वो स्टेप बढ़ जाता, तो वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है. माइनस करके हमारे पास ये वाली हाइट आ गई 1.2. तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज, लेंथ ब्रेथ इनटू द हाइट इज 1.2. इज इट क्लियर? अखिलेश समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? फरनूर हो गए फॉर्मूलास? तुम्हें आते हैं कृति फॉर्मूले? वहां बैठ जा, छोड़ दे ये सम्स, छोड़ दे, जरूरत नहीं है तुम्हें भी ये सम्स करने की. सारे फॉर्मूले लर्न कर, 5 मिनट बाद में अगले पीरियड में लिखवाऊंगी. छोड़ दे बेटा ये सम्स, कोई जरूरत नहीं, तुम एनसीईआरटी करो सिर्फ. ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक सम नहीं होएगा है ना, एक सम नहीं होएगा ना, कोई बात नहीं, नहीं होएगा. तो जो बाकी के 3 आएंगे या 2 आएंगे वो तो कर पाएगी ना, इसलिए पीछे बैठ के फॉर्मूला लर्न कर. चल नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसके भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो सिंपल है, जो हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी वाला ही है, वैसे तो वो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है. फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर. अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल. ये सिंपल है. अच्छा ये करो, लिखो
जो डिफरेंट सम्स है ना बेटा वही कर रहे हैं, टोटल मिलाकर अब मुझे लगता है 15 का सम्स होएंगे बस, बाकी सारी एनसीईआरटी। राइट डाउन, टू सॉलिड स्फीयर्स made of the same metal have weights 5920 grams and 740 grams respectively. Determine the radius of larger sphere if the diameter of smaller one is 5 centimeter. थोड़ा सा बता दूं बेटा, जैसे हमें वेट गिवन है ना, मास हम करते हैं, मास एक तरह से वो क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ओनली। मास इज डायरेक्टली, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इक्वल टू का इक्वल टू तब लगाते हैं अगर हम कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। तो मान लो इससे हम कह सकते हैं दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब जो मास है उसको हम वॉल्यूम लेके चलेंगे। दोनों का क्या गिवन है हमें, लार्जर का रेडियस फाइंड करना है, स्मॉलर का गिवन है, दोनों का वॉल्यूम गिवन है। तो आप दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करोगे, आया है फाइंड द रेडियस, डिटरमिन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर इज 5। V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर स्फीयर, V2 इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। दोनों को डिवाइड करो, इसका रेडियस निकालो और कुछ करो। नहीं समझ आई? नाक कैसे निकालेगी, रेडियस कैसे निकालेगी बड़े वाले का कंपेयर करके? Determine the radius of the larger sphere if the diameter of the smaller is 5. तो रेशियो निकाल के करोगे ये सब। अदरवाइज और क्या कर सकते हो, एक्स लेके कर लो, हाँ कोई बात नहीं, एक्स लेके भी करना तो यही पड़ेगा, करो। वो भी नहीं कर रही है जशन, नहीं मूड ये सब करने का। हाँ उनका जो वेट है वो इक्वल है ना, वेट ऑफ द सेम मेटल, वेट इक्वल नहीं है, मेटल सेम है, वो अलग बात है। क्या बात है धीरेन? हां जी धीरेन बोलो। मैम रेडियस ऑफ लार्जर वन इज कमिंग आउट टू बी 5। यस, आपने कैसे किया धीरेन? मैम पहले जो 5920 है बाय 740 बिकॉज़ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एज सेड बाय यू। So then I just give the mass as 592 by 74, and the radius of the smaller one was 5/2, so 125/8 as a cube. So then some cutting and then after it came to be 5.
ये देखो v1 by v2, v1 is the volume of the larger sphere, v2 is the volume of the smaller sphere. तो 4 pi sphere का volume 4 by 3 pi r1 cube, 4 by 3 pi r2 cube. ये कट गया, ठीक है? 5 bigger का volume कितना weight कितना है? 5920 आप ऐसे लिखोगे. Mass is directly proportional to the volume, so m1 over m2 is equal to v1 over v2. We can take, ठीक है? Over 740 is equal to r1 cube over r2 cube. इसको कटिंग करोगे आता है 8 क्यूब रूट लगाएंगे r1 by r2, दोनों का क्यूब है, शिफ्ट कर देंगे इधर क्यूब रूट, तो कितना आ जाएगा? अरे एक मिनट रुको, हाँ r1 by r2. Now what is the radius of the second sphere? 2.5. तो ये 2.5 है, 2 into 2.5 is, you have to find the radius of the larger sphere if the radius of the 5 किया मैंने. शायद समझ आया कोई नहीं, ठीक है? क्योंकि और कोई तरीका, क्योंकि ये नहीं बोला कि वॉल्यूम्स इक्वल है, ठीक है? कुछ नहीं बोला, माइनस करने को नहीं बोला, तो इसलिए क्योंकि वो सेम मेटल से बने हैं इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया. आई समझ? ठीक है. ऑल द स्टूडेंट्स, यस लक्ष, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है? आई विल रीजॉइन इन द नेक्स्ट पीरियड आफ्टर 5 मिनट्स.